नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं मानसोपचार तज्ञ हूँ। आज मैं आपको सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, इस मानसिक बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। सोमा यानी शरीर और शरीर से संबंधित लक्षण, जो कि कुछ मानसिक तनाव की वजह से हो सकते हैं या फिर दिमाग में जो रसायन होते हैं उनकी कम ज्यादा लेवल्स की वजह से भी हो सकते हैं। अब क्या क्या लक्षण हमें दिखते हैं, तो उसमें हाथ पैर में गर्म लगना, आधा शरीर ठंडा तो आधा शरीर गर्म लगना, हाथ पैरों में खिंचाव होना, सर में दर्द होना, कम दिखना या फिर सुनाई कम देना, गर्दन में दुखना, पेट में गोला चल रहा है ऐसा लगना, या फिर हाथों पैरों की जलन होना, एसिडिटी या फिर पेट साफ न होना, ऐसे अनेक लक्षण हमको दिखते हैं। अब जनरली ऐसे होता है कि ये लक्षणों के लिए पास के डॉक्टर को दिखाकर हम थोड़ी फार दवाई लेके वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से वो कुछ दिनों बाद वापस लक्षण दिखने लगते हैं और ये चलते ही रहता है, कम ज्यादा, थोड़ा बहुत, टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है, स्पेशलाइज जांच पड़ताल करके कुछ रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहते हैं, वो रिपोर्ट्स करीबन ऑलमोस्ट नॉर्मली होते हैं, फिर से कुछ दवाई देकर टाइम के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहता है और स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, डॉक्टर टू डॉक्टर, ऐसा बहुत टाइम निकल जाता है, उसमें से कुछ डायग्नोसिस या कुछ हाथ ज्यादा लगता नहीं। उसमें से कुछ स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं जो साइकेट्रिस्ट को मिलने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव्स अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ साल बीत जाते हैं और फिर आखिर में फ्रस्ट्रेट होके वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास आने के बाद उनका यही कहना होता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम मेंटल थोड़ी है, कोई हमको टेंशन नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, फिर ये तकलीफ क्यों। लेकिन साइकेट्रिस्ट से चर्चा करने के बाद, उनका सब समझ लेने के बाद, दवाई और ट्रीटमेंट समझ लेने के बाद, अगर हम ट्रीटमेंट ठीक से ले, दवाई उन्होंने जैसा बोला है वैसे ले, टाइम टू टाइम उनसे मिले, तो ये बीमारी बिल्कुल सब ठीक हो सकती है। काउंसिलिंग सेशंस ले, कुछ थेरेपीज ले, तो इसमें ठीक होने के लिए मदद ही होती है। तो हमारा शरीर और मन एक दूसरे से संबंधित है। अगर सर में दर्द होता है तो उसका कारण एक ही नहीं है, उसके 10 कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण है मानसिक बीमारी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर की तकलीफ, इसका एक कारण मानसिक बीमारी भी हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप केलकर हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 997572638। नमस्ते।